हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड में पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कौन सा वे है जिससे आप टीचर बन सकते हैं, राइट। तो पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी अगर आप क्लियर करते हैं या फिर इसका एग्जाम देते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहता है, तो आप स्कूल लेवल पे टीचर बनते हैं, राइट। और एक होता है यूजीसी नेट, नेट क्लियर करते हैं जो कि एनटीए, यूजीसी जो एनटीए वो बॉडी है जो कंडक्ट कराती है, वो आप अगर क्रैक करते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। यूजीसी नेट के बारे में सब कुछ, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, कौन सा एग्जाम कब होता है, आप कब दे सकते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन सा वे है, कौन कौन सा एग्ज़ाम है और कौन कौन सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती हैं, कौन कौन से स्टेट में ये कंडक्ट कराता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे एनटीए होता है, एनटीए मतलब कि यूजीसी नेट कंडक्ट कराती हैं, बट यहाँ पे कोई एक अथॉरिटी नहीं है, हर स्टेट की अलग अलग है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, किसमें बीएड एलिजिबल होता है, किसी में नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले, यूपीटी पीजीटी में क्या होता है, बीएड आपका क्या है, एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं भी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं और पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। वैसे ही अगर डीएसएसबी में अगर पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बीएड नहीं है बट विद इन टू, आफ्टर क्वालिफाइंग द पीजीटी एग्ज़ाम विद इन टू ईयर में आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा। और कोई कोई जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा में अगर आपके पास है बीएड तभी आप एप्लीकेबल होते हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग है, इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। ओवरऑल आज हम बात करेंगे पीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो कौन से क्लास को आप पढ़ा सकते हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं, और पीआरटी अगर क्रैक करते हैं तो कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं, और इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहता है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और इसको जाके आप खुद पढ़िएगा, वैसे मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी नॉलेजेबल कैरियर गाइडेंस के एपिसोड आता रहेगा। हर कुछ आपकी जो भी प्रॉब्लम है कैरियर से रिलेटेड इस चैनल पे सॉल्व होगी, इसलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही कोई वीडियोस आए कैरियर रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पीजीटी का क्या होता है। टीजीटी देखिए, ध्यान से देखिए, पीआरटी, पीआरटी मतलब क्या होता है, प्राइमरी टीचर। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। थ्री लेवल्स ऑफ, फर्स्ट लेवल क्या है पीआरटी, सेकेंड लेवल टीजीटी एंड थर्ड लेवल पीजीटी, ठीक है। जो पीआरटी है, अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम देते हैं तो 1 से 5th क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो 6 to 8, नॉर्मली 8-10 तक भी आप पढ़ा सकते हैं। कोई कोई 10th में देते हैं, कोई कोई 8th तक देते हैं, ठीक है, वो स्टेट वाइज डिफर करता है। फिर आ जाता है पीजीटी, डैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आप क्या 11th, 12th या 9th, 10th को पढ़ा सकते हैं। तो 3 लेवल होता है जिससे आप स्कूल में 1st to 12th तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप प्राइमरी टीचर बना सकते हैं, मतलब पीआरटी, पीआरटी में क्या होता है कि आप 12th पास आउट हो और आपका एग्रीगेट मार्क्स 50% हो, ठीक। उसके बाद आपका डीएलड, डीएल मतलब कि अगर बीएड, अब तो इम्पोर्टेंट खत्म हो गई है डीएल की, आपका बीएड जरूर कंप्लीट होना चाहिए 2 ईयर का, तब आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ टीजीटी, डैट मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें क्या आपका ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए और आपका एग्रीगेट मार्क 52-55 डिफर करता है, तो अपना एग्रीगेट 52-55 तो रखिएगा।
और अगर आपने क्या किया है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया उसके बाद बीएड किया, तो आप ट्रेन ग्रेजुएट मीन्स कि टीजीटी का एग्जाम दीजिए और अच्छा खासा सैलरी अर्न कीजिए। फिर आ जाता है पीजीटी मीन्स क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं 9 to 12th पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब जो भी पढ़ाना चाहते हैं सब्जेक्ट उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उसी सब्जेक्ट को आप एलिजिबल होते हैं पढ़ाने को। पोस्ट से ही समझ आ रहा है। तो इसमें आपका जो मास्टर है, मास्टर आपका 52-55% तक होना चाहिए, ठीक है। और बीएड, कोई कोई स्टेट बीएड लेती है, मतलब कि एलिजिबिलिटी में मांगती है कि आपका बीएड होना चाहिए, और कोई कोई स्टेट नहीं मानती। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पीजीटी पीआरटी और जो पीजीटी है ये प्राइवेट लेवल, मतलब स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट जो हर स्टेट कंडक्ट कराती है एग्जाम, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। और मैं बताऊँ तो बहुत, मतलब 50+ सैलरी होती है। बस आप ग्रेजुएशन हैं तो आप टीजीटी में जाइए, 12th पास आउट है तो पीआरटी में जाइए, और आपका जब मास्टर क्लियर है तो पीजीटी में जाइए, और आपका बीएड कंपलसरी है इसमें कि अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपका उसमें बीएड नहीं होता, बट अगर स्कूल लेवल में आप टीचर बनते हैं तो आपका क्या बीएड जरूरी होना चाहिए, ठीक है। बीएड तो कर लीजिए। अब तो ये भी हो गया कि आप डुअल डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप मास्टर में हैं तो आप बीएड के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसकी इंडिविजुअल लेक्चर भी लेके आऊंगी, और आपको कोई भी कैरियर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। फिर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई एक रिक्रूटेड बॉडी नहीं है, सारी मतलब हर स्टेट की अलग अलग है, तो एक सिंगल बॉडी नहीं है। पोस्ट नेम क्या होता है, पीआरटी जो कि 1 to 5, टीजीटी जो 6 to 10th या 8th तक, और पीजीटी मतलब 9 to 12th तक आप पढ़ा सकते हैं। एग्जाम लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होता है, कोई कोई स्टेट लेवल भी कराती, जैसे यूपी पीजीटी हो गया, यूपी टीजीटी हो गया, तो स्टेट लेवल भी होता है। मोड ऑफ एग्जाम, जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन ही हो गया। मोड ऑफ एग्जाम जब होगा ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस, और जो होता है ऑफलाइन मतलब कि आपको पेन कॉपी में देना होगा। मैंने यूपी पीजीटी का दिया था, वो ऑफलाइन था, ठीक है। डीएसएसबी में अगर पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो वो हो जाता है ऑनलाइन। तो एग्जाम्पल बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आपकी जो भी एकेडमिक एलिजिबिलिटी है उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होता है जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद क्या हो जाता है, सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगी अभी, और उसके बाद क्या हो जाता है कि आपको इंटरव्यू होगा, सबके एग्रीगेट मार्क्स लेके फिर उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। एज लिमिट जो है नहीं मेंशन है, मतलब अपर लिमिट कोई भी मेंशन है, लोअर लिमिट जो है वो 19, अगर आप 19 साल के है हो गए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, अपर लिमिट नहीं है। अब देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, देखिए बहुत, मतलब कि बहुत, हर वीक में, हर मंथ में ना इसकी जो होती है। अगर आपके पास बीएड है तो मैं तो बोलूँगी आप इसमें जाइए, और अच्छी खासी सैलरी होती है। तो जो एग्ज़ाम है वो केवीएस के नाम से, मतलब केंद्रीय विद्यालय संसाधन एनवीएस होता है, वो एग्ज़ाम कराती हैं। सुपर टेट के नाम से जाने होंगे, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सुपर टेट हो गया, फिर यूपी जूनियर्स एलटीडी होता है, ठीक है। इसकी भी इंडिविजुअल वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी जो कि मैंने भी दिया था, तो ये बहुत ये कराती हैं, लास्ट ईयर हुआ था, अब फॉर्म इसकी आने वाली है। तो राजस्थान डीजीटी जिसको रीट के नाम से जानते हैं, बिहार में हो जाता है, डीएसएसपी दिल्ली में हो जाता है, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो बीएड कीजिए और टीजीटी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है
तो बीएड मतलब यूपी में एलिजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन डीएसएसबी में एग्जाम दे सकते हैं। बट विद इन 2 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए, अगर पीजीटी मींस की हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स है आपके पास, तो आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका मास्टर भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड मांगते हैं, और हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर बनते हैं तो 50% बीएड बीटेक होना चाहिए और डिग्री मतलब बीएड डिग्री ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट की तो बहुत सारी वैकेंसी मिलती है, हर डे निकलती है, गवर्नमेंट को निकले या निकले मतलब प्राइवेट में, और प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। वैसे ही टीजीटी इंग्लिश हिंदी सोशल स्टडीज साइंस संस्कृत मैथ्स हैं, उसमें बीएड होना चाहिए आपका। कोई कोई क्या होता है सी टेट, जो कि मैं वो वीडियो आपको अपलोड करूंगी, सी टेट क्या होता है, टेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, तो उसको जरूर देखिएगा। और हिंदी इंग्लिश तो होनी चाहिए। वैसे ही टीजीटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल मतलब कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आर्ट एजुकेशन हो जाता है, 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब 5 साल का रिकॉग्नाइज ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर हो गया, और वर्क नॉलेज हिंदी इंग्लिश तो आपको मस्ट आनी चाहिए। पीजीटी में कभी कभी एक्सपीरियंस भी मांग लेते कि आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। फिर पीआरटी ऑल सब्जेक्ट अब आ गए प्राइमरी लेवल, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखिए अगर आपका 12th मतलब 50% से है, डीएड या बीएड है और क्वालिफाई है आप सेट मतलब कि टेट सी टेट सी टेट मतलब कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंटर, और फिर पीआरटी की म्यूजिक हो गई डांस हो गई, इसकी भी वैकेंसी बहुत निकलती है। तो जल्दी से बीएड कीजिए, और बीएड की वीडियो भी मैं लाऊंगी कि बीएड कहाँ से कर सकते हैं। अब तो डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, डुअल डिग्री भी कर सकते हैं, तो बहुत अब एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत बदलाव आ गए, ठीक है। ये हो गया कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले पीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं बता दूं, ये नॉर्मल मतलब कि एक जनरल लेवल में बता रही हूँ, बट हर स्टेट की अलग अलग होती हैं एग्जाम पैटर्न। वो जब भी आएगा नोटिफाई होगा, नोटिफिकेशन आएगा, इस चैनल पे अपडेट हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हो जाए। तो देखिए पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो ये तो एक जनरल लेवल, डीएसएसबी का अलग है। जब मैंने यूपी पीजीटी का दिया था उसमें क्या था, पेपर 1 कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, सब्जेक्ट रिलेटेड का, जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे, और उसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट था, तो अलग अलग अथॉरिटी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। फिर आ जाता है टीजीटी एग्जाम पैटर्न, इसके भी पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, तो ये भी डिफरेंट होगा, लेकिन नॉर्मली पेपर 1 और पेपर 2 पेपर आते हैं, ठीक है। फिर पीआरटी के भी पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, राइट। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये सिलेबस है, तो हर सब्जेक्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। केबीएस जो होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय वो, तो उसके भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनल एबिलिटी में क्या आएगा, जनरल नॉलेज होता है, और केबीएस में तो बहुत सारी वैकेंसी अभी भी आने वाली है, तो बहुत मतलब अच्छा होता है, बहुत आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, राइट। KBS की सिलेबस देख लीजिए, जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, पेपर 1 में क्या आएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके इसको देख लीजिए। पेपर 2 में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपके होते हैं ग्रेजुएशन में, मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के पेपर होगा आपको, और टीचर एप्टीट्यूड तो होगा ही, मतलब आप टीचर बनना चाहते हो उसके एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी होता है टेस्ट। देखिए फिर ये सिलेबस है सब, तो ये मैंने बुक भी आपको मेंशन किया है, आप बुक अगर इस इन सबको बुक को रेकमेंड कर सकते हैं, ओके। तो पीजीटी टीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा इस चैनल पे अपडेट किया जाएगा, कोई भी स्टेट का कोई भी जब
जब भी केबीएस का आता है उसका भी अपडेट किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कोई भी अगर स्टेट ने वैकेंसी निकाली है तो उस स्टेट के वेबसाइट पे जाइए। जैसे DSSB है दिल्ली में, तो DSSB के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दीजिए। और नॉर्मली जब आप PGT TGT और PRT का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो स्टेट में जाना पड़ता है। जैसे कि मैं यूपी PGT का दिया था तो मुझे यूपी जाना पड़ा। जैसे आप DSSB का देंगे तो दिल्ली जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसे होता है। डाउनलोड कैसे करना है ये सारी कुछ, तो यही के साथ हमारी PGT TGT और PRT तीनों में डिफरेंस हो आपको समझ आया होगा। और भी ऐसे में और BEd क्या है, BEd कितने साल का हो सकता है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कितने साल की BEd कर सकते हैं, अगर मास्टर हैं तो कितने साल की, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी, वीडियो लेके आऊंगी। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास आ जाए। और कोई भी कैरियर गाइडेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।